हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूं। तो जिसने भी वो पार्ट ना देखा हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, आवाज लगा के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इनके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। पहली बात, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। तो उसमें आपके तीन निकल के आए थे हाइड्रोकार्बन, जो कि थे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और तीनों के ही जनरल फॉर्मूले थे जो कि आपके यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे होंगे। एल्केन का फॉर्मूला था आपका CnH2n+2, इसका था आपका CnH2n, और इसका एल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n-2। अब देखते हैं चलो कि इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है, फॉर्मूले में कैसे बनाने, देखते हैं। हम मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए कि कार्बन हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है ना। कि अगर हम कार्बन का हमारा एक ही एटम होगा तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन का, देखते हैं। तो मैं एन की जगह पर 1 लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि मेरा एन बराबर 1 है, ठीक है। तब क्या बनेगा कंपाउंड, तो एन की जगह लगा दिया मैंने 1। अब 1 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, H2 × N की जगह आएगा 1 और प्लस 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनेगा, ये C का C बन जाएगा ये, और ये H कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा 2, और 2 में 2 प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, CH4, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने एल्कीन के लिए हमने माना कि N=2 है, तब क्या बनेगा एल्कीन कंपाउंड, देखते हैं। तो सी एन की जगह हम लिख लेंगे 2, और एच की जगह क्या लिखेंगे हम, एच और 2 × एन की जगह लिख देंगे दोबारा से हम 2, क्योंकि हमने 2 मारा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कंपाउंड बना हमारा, यहाँ पे सी 2 का सी 2 आ गया, और यहाँ पे 2 बन गया, ये एच 4 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ चुका है एल्कीन का C2H4, ठीक है। अब एल्काइन का भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। मान लीजिए हमने एन को यहाँ पे हमने 3 माना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान के चले तो देखते हैं। यहाँ पर हम एन की जगह रख देंगे 3, और यहाँ पे एच 2 × एन की जगह 3 माइनस का 2। अब देखते हैं यहाँ पे C3 का C3 आ जाएगा, एच का एच आ गया, 2 × 3 = 6, और 6 में से ये 2 हो जाएंगे माइनस, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 4। यानी कि आपका एल्कीन का ये कंपाउंड आ गया है C3H4, ठीक है। तो आप इस तरीके से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के हिसाब से, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के हिसाब से। अब बात ये आती है कि इनके नाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनके भी नाम भी तो मतलब होने चाहिए ना, कि इनको किस नाम से बुलाया जाएगा, इसको इसको और इसको, तो वो जानते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का हमें नाम कैसे लिखना है, ठीक है, कि किस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होना चाहिए, देखते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ एटम जो होंगे ना फॉर्मूले में आपको दिए गए हैं CnH2n में, जो एन आपका है, एन आपका अगर 1 से लेकर 10 तक आपका कुछ भी आता है, तो आपके यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इनको यूज करना पड़ेगा, देखते हैं। अगर आपका N=1 है तो आपको MEP यानी कि मैथ आपको यूज करना है, N=2 के लिए आपको एथ यूज करना है, NH3 के लिए प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप, ऑफ, नॉन डेक, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, और आपको इसे यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले में, ठीक है ना, कि कितने जितने भी आपके कार्बन के एटम्स होंगे ना, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक जो भी होंगे आपके, आपको उसी हिसाब से इसके नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में एल्केन का हमने ये फॉर्मूला बनाया था हमने, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के हिसाब से CH4 आपका बना था। अब देखते हैं कार्बन यहाँ पे आपका कितना है, कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पर आपका कार्बन सिर्फ 1 है, और 1 में हम लिखेंगे मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले MEPH लिखा, ठीक है, अब ये अधूरा नाम है, ठीक है ना। हमें करना क्या है, अगर हमारा अगर हम एल्केन का बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये ANE और जोड़ देना है, ठीक है। अब इसके आगे जोड़ देंगे ANE, तो आपका ये नाम बन गया मिथेन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऐसे मिथेन। तो ऐसे नाम बनाते हैं हम। यहाँ पर कार्बन जो आपका 2 है, और 2 पे आप यूज करते हैं एथ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम EPH, और यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, ENE जोड़ देंगे एल्कीन का, और ये क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथीन। अब देखते हैं एल्काइन का, एल्काइन में आपका कार्बन आपका 3 था, तो कार्बन 3 होने पे आपका क्या लिखा जाएगा, प्रॉप लिखा जाएगा, क्या लिखते हैं, प्रॉप,
P-R-O-P प्रो, और यहाँ पर आपको Y-N-E जोड़ देना है नाम के बाद, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है किसी भी हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, बस आपको कार्बन के एटम्स पे ध्यान देना है कि कार्बन कितने एटम्स आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक जितने आपको दिए गए हो, तो आपको इस हिसाब से इसका नाम लिखना है। और आपको ये ध्यान देना है कि आपका एल्केन है, एल्कीन है या एल्केन। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान देना। अब देखते हैं इसमें एक बात यह निकल कर आती है कि आप पहचाने कैसे किसी फॉर्मूले को देख कर कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्काइन है। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एल्केन का फॉर्मूला क्या था, आपका एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन जितना भी होगा उसका क्या करा जा रहा है, डबल करा जा रहा है, 2n मतलब कि डबल, और साथ में 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे ना उसमें डबल करके आपको 2 जोड़ के देखना है। ठीक है ना, अगर डबल से 2 ज्यादा अगर आपका आ रहा है तो यानी कि वो एल्केन है। इसे आप यहाँ देख लेते हैं, कार्बन आपका यहाँ पे 1 था, 1 का डबल आपका होता है 2, और 2 में दोनों संख्या क्या रहेगा, 5 रहेगा, 4। ठीक है, तो हिसाब से ये आपका एल्केन हो जाएगा। ठीक है ना, डबल से 2 ज्यादा यानी कि एल्केन। एल्कीन देख लेते हैं, एल्कीन का आपका फॉर्मूला था CnH2n। ठीक है, ये आपका बहुत सिंपल है कि यहाँ पर कार्बन आपका जितना भी नंबर हो, ठीक है, उसका ठीक आपको डबल देखना है। ठीक है, कार्बन का जितना भी आपका नंबर दिया गया होगा, 1, 2, 3 के टाइम जो भी आपका नंबर दिया गया होगा, अगर आपका उसका एग्जैक्ट डबल अगर आपका दिया गया है हाइड्रोजन, तो मतलब आपका वो हो जाएगा एल्कीन। इसे देख लेते हैं आप, यहाँ पर आपका कार्बन दिया गया है 2, और 2 का डबल होता है आपका 4, तो यानी कि इस हिसाब से ये आपका एल्कीन हुआ, क्योंकि ये ठीक डबल है। अब देखते हैं एल्काइन कैसे बचाएंगे। एल्काइन का आपका फॉर्मूला था CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पर आपका कार्बन जितना भी होगा उसमें क्या करना है, आपको पहले 2 करना है, डबल करना है, डबल करके -2 कर देना है। ठीक है, यानी कि डबल से 2 कम कर देना है। ठीक है, कार्बन में जितने आपके एटम्स होंगे उसमें को क्या देखना है आपका, हाइड्रोजन में आपको डबल से 2 कम करना है। देखते हैं, यहाँ पे आपके कार्बन थे 3, और 3 का डबल क्या होता है आपका, 3 का डबल आपका होता है 6, और 6 में से 2 माइनस होगा क्या बचेगा आपका, बचेगा 4। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका क्या बन जाएगा, ये एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपको आपको एग्जांपल देता हूं, आपको उसको आपको पहचानने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए C3H8 हो गया, या फिर आपका C4H8 हो गया, या फिर आपका C5H8 हो गया। ठीक है, ये मैंने आपके 3 हाइड्रोकार्बन लिखे हैं, देखते से पहचानते हैं। देखते हैं, यहाँ पर आपका कार्बन 3 है, और ये 8 कैसे आएगा, 3 का डबल होता है 6, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 8, यानी कि ये आपका एल्केन हुआ। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका 4 का ठीक डबल है 8, पूरा पूरा डबल आ रहा है, यानी कि आपका एल्कीन हुआ। क्या हुआ, एल्कीन। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कार्बन है 5, तो 5 का डबल आपका होता है 10, और ये 8 है, यानी कि 10 से 2 माइनस होकर आया आपका 8, यानी कि ये डबल से 2 कम है, इसलिए ये आपका हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, तो बच्चे लोग अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में ना आया कोई भी डाउट अगर आपका रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो बच्चे लोग अब हम बात कर लेते हैं हेटरो एटम्स और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखते हैं हेटरो एटम्स क्या होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन चेन, यानी जितनी भी हाइड्रोकार्बन की चेन जो होती है उसमें क्या होता है, 1 or more हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अदर एटम, यानी कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन से अगर कोई भी हाइड्रोजन जो होता है ना किसी भी दूसरे एटम से अगर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद देयर बैलेंस, मतलब उसके बैलेंसेज के हिसाब से, तो उस एटम को जिसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है हेटरो एटम। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं मैं कि हाइड्रोकार्बन की चेन से जो हाइड्रोजन जो होते हैं वो जिसकी वजह से या जिस एटम से रिप्लेस होंगे वो एटम्स कहलाएंगे आपके हेटरो एटम्स। ठीक है, हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हेटरो एटम यानी जो हमने ऊपर पढ़ा हेटरो एटम वो हेटरो एटम, या फिर और ग्रुप ऑफ एटम यानी कि अगर कोई हेटरो एटम हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम हो जो क्या करे, विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो क्या करे, जो भी हमारे कार्बन का जो कंपाउंड था ना उसको क्या है, रिएक्टिव बना दे, अभिक्रियाशील बना दे। ठीक है, एंड डिसाइड्स इस प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करे। ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हेटरो एटम है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है अगर वो किसी कार्बन कंपाउंड में जुड़ जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ एटम पे हेटरो एटम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो कि कार्बन चेन में आपका जुड़ेगा वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, ठीक है। देखते हैं इसे कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपका हैलोजन होता है, हैलोजन में आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपके आते हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं पता कि हैलोजन का मतलब क्या होता है बता देता हूं, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट बना सकते हैं या बनाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट को हम काम करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। बाकी अगला फंक्शनल ग्रुप आपका है अल्कोहल, जिसको हम OH से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जब भी हम इसका नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे कार्बन चेन में, तो वहां पर हम OL जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड में आपकी जो पहचान होती है आपकी होती है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड में H और डबल बॉन्ड में आपका O होता है, ये आपकी पहचान होती है एल्डिहाइड की, ठीक है, और आप नोमेनक्लेचर के टाइम पे आप AL जोड़ देते हैं, ठीक है, कार्बन चेन में नाम में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके हो गए हैं हेटरो एटम्स और आपके हो गए हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पर, बात करते हैं कि इनको किस प्रकार से हमें जोड़ना है कार्बन की चेन में और कैसे कैसे इनका नाम लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो यहां मैंने आपके लिए पूरी टेबल आपके लिए तैयार की है, जिसको देख के आप एक बार में समझ सकते हैं कि आपको कहां पर क्या जोड़ना है, कब क्या जोड़ना है, कैसे कैसे जोड़ना है, ठीक है। देखते हैं इस तरह आपको बताया गया आपके हेटरो एटम्स, ठीक है, हेटरो एटम्स आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन वाला हो सकता है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पहला आपका हैलोजन ग्रुप है, इसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन आएंगे, दूसरा आपका एल्कोहल हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बन की चेन में, या फिर आपका एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर कीटोन, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर लिखा है प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब ये है कि जब हम किसी भी कार्बन चेन का जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, तो हमें इनमें से किसका नाम पहले जोड़ना है और कब नाम बाद में जोड़ना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि नाम पहले जोड़ना है, सफिक्स का मतलब है कि नाम बाद में जोड़ना है, ठीक है। देखते हैं तो जब आपका हैलोजन ग्रुप आपका जुड़ेगा किसी भी कार्बन चेन में, तो आपको क्या करना है, क्लोरीन के लिए आपको क्लोरो यूज करना है नाम से पहले, और ब्रोमीन के लिए आपको ब्रोमो यूज करना है, और आयोडीन के लिए आपको आयोडो IODO आपको यूज करना है, ठीक है, कार्बन चेन के नाम से ठीक पहले, ठीक है। आप देखते हैं इसके आपके जो फॉर्मूले है वो कैसे कैसे, क्लोरीन का आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CL, ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड BR और आयोडीन का सिंगल बॉन्ड में I, ठीक है। आगे चलते हैं एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल जब भी आपका फंक्शन आपका आएगा और आपको जब उसका नाम लिखना होगा तो आपको क्या जोड़ना है, आपको सफिक्स मतलब आपका नाम को बाद में जोड़ना है, ठीक है ना, आपको OL का यूज करना है, जो भी आपके कार्बन चीज चेन आपकी आपको चेन दी गई होगी ना, उस चेन का नाम लिखने के बाद आपको OL का इस्तेमाल करना है, वो आपको कैसे यूज करना है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको बना के दिखाऊंगा, इन सभी के एग्जांपल, ठीक है, फिक्र मत कीजिएगा, अभी भी इतना समझे बस, ठीक है, कि आपको OL का इस्तेमाल करना है कार्बन चेन के नाम के बाद, ठीक है। और आपका एक सिंबल है, फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड में OH यानी कि एल्कोहल, ठीक है। देखते हैं हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पे आपको नाम के बाद लगाना है, आपको यूज करना है AL, और ये इसका फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड में C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर ये चीज आपको कहीं भी दिख जाए चेन में, यानी कि आपका वो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप का जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखते हैं कीटोन, कीटोन के लिए आप कार्बन के नाम में ONe1 आपको जोड़ना है बाद में, ठीक है ना, और आपका ये फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर और नीचे डबल बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आपको नाम में क्या जोड़ना है, आपको यहाँ पर आपको नाम में जोड़ना है OIC ओइक एसिड, ठीक है, कार्बन चेन के नाम के ठीक बल आपको ओइक एसिड जोड़ देना है, और आप यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका है सिंगल बॉन्ड में सी और ऊपर है आपका डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड का क्या है OH यानी कि एल्कोहल, ठीक है। अगर आपको किसी भी चेन में आपको इस तरीके से कुछ आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यानी कि आपका वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरी टेबल को आप बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि किसका क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है और किसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। हम बिना किसी तरीके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, पता करते हैं कि इनका हमें यूज कैसे करना है और कार्बन चेन का हम नाम कैसे बनाएंगे और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो बच्चों को अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें किस फंक्शन ग्रुप को किस तरीके से कार्बन की चेन में जोड़ना है। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल लेके चलते हैं अल्कोहल का, कि अगर आपको मान लीजिए अल्कोहल आपको जोड़ना है, ठीक है ना, किसी भी कार्बन चेन में। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया है C2H6 का। पहली बात आपको इसका नाम बताना चाहिए कि C2H6 का आपका नाम क्या होगा। ठीक है, और मैं इसके नामकरण की प्रक्रिया आपको पहले आपको बता चुका हूँ, देखते हैं। यहाँ पर आपको पहले कार्बन के चेक करने हैं एटम्स, कार्बन के एटम आपके दिए हुए हैं 2। ठीक है, आपको चेक करने हैं हाइड्रोजन आपके दिए हुए 6। ठीक है, अब देखते हैं 2 का डबल आपका होता है कितना, 4, और 4 में क्या है 2 प्लस आपका 6 आएगा, यानी कि ये जो आपके हाइड्रोजन एटम है वो कैसे आए हैं, डबल से 2 ज्यादा करके आए हैं। तो यानी कि जब भी ऐसा होगा तो यानी कि आपको वो एल्केन होगा। ठीक है, अब देखते हैं C2 पे आपका क्या होता है, C2 पे आपका होता है एथ, होता है आपका एथ, फर्स्ट होता है मैथ, फिर ऐसे प्रॉप। ठीक है, आपको पूरे सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, आपको लिखवाया था। ठीक है, अब एल्कीन हम यहाँ पे जोड़ देंगे ANE, यानी कि ये आपका एथेन है। ठीक है ना, अब मान लीजिए मुझे इस एथेन में अल्कोहल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, एथेन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C2H6। ठीक है, अब वो करना क्या है, हमने पढ़ा था कि जितने भी फंक्शन ग्रुप ये होते हैं क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जितने भी हेटरोटम्स होंगे या फंक्शन ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपने पिछली साइड आपने देखा कि यहाँ पर आपका ये होता है सिंबल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में आपका OH था। ठीक है ना, तो जब भी आपका सिंगल बॉन्ड आएगा आपको क्या करना है, बस या फिर ठीक है थोड़ी छोटी सी कि आपको सिंगल बॉन्ड देखा क्या करना है, तो आपको एक हाइड्रोजन आपको कम कर देना है बस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका C2 था। ठीक है, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने थे, 6 थे, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन एक कम करके लिख देना है। ठीक है, 6 से क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और बाकी OH आपका आ गया अल्कोहल का सिंबल, और ये आपका बन चुका है फॉर्मूला। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको C4H10 का बनाना है। ठीक है, पहले बात C4H10 का नाम क्या होता है, C4H10 का नाम आपका होता है मैथ एथ प्रॉप ब्यूट और ANE। ठीक है, ये आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, C4H10, अगर मान लीजिए आपको इस चेन में आपको अल्कोहल जोड़ना, तो क्या करेंगे, कार्बन जितना है आपको कार्बन पहले के रहने देना C4, आपको हाइड्रोजन क्या करना है 10 में से एक कम करना है, कार्बन आएगा 9, और आपको OH का OH जोड़ देना, तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन आपका था ये। अब यहां पर आपका अल्कोहल जुड़ चुका है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने पिछले आपको बताया था कि जब आपका अल्कोहल आएगा तो आपको OL का इस्तेमाल करना है कार्बन चेन के नाम के बाद। ठीक है, अब देखिए हमने इसका नाम लिख दिया है, अब यहाँ पर हमें आपको OL और यूज का आपको लगाना पड़ेगा। देखते हैं लगाएंगे कैसे, आपको यहाँ से पहले E को यहाँ से आपको मिटा देना है, और यहाँ पर आपको OL लिख देना है, और ये आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम पहले था एथेन। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको एथेन लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ से E मिटाकर OL लिख देना है, और ये आपका नाम बन गया एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अल्कोहल ग्रुप के आपके नाम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका इजी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना है कार्बन चेन में। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं एल्डिहाइड का एग्जांपल, कि मान लीजिए अगर हमें किसी भी कार्बन चेन में अगर हमें एल्डिहाइड ग्रुप अगर जोड़ना पड़ जाए, तो उसका हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, उसका हमें नाम कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात एल्डिहाइड का जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड में सी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में एच, और यहाँ डबल बॉन्ड में ओ, यानी कि पीछे की साइड में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, और राइट साइड में आपका एक तरफ में हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत काम आ सकती है। देखते हैं यहाँ पर आपके कार्बन के बाद में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से आपका एक हाइड्रोजन तो कम होना ही होना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, और यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपके दो हाइड्रोजन और कम कर देगा। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हाइड्रोजन कम हुए, तो यहाँ पर आपके टोटल मिला के 3 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो आपको क्या होगा, आपके पूरे टोटल हाइड्रोजन में से आपके टोटल 3 हाइड्रोजन आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जोड़ना क्या है, जब नाम लिख के देखेंगे तो आपको क्या जोड़ना है, तो यहाँ पर आपको AL का इस्तेमाल करना है नाम लिखने के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया ब्यूटेन का, ठीक है, ये मैंने लिखा ब्यूटेन का आपका फॉर्मूला कैसे होता है, C3H8
ए, ठीक है, ये आपका एग्जांपल होता है ब्यूटेन का, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसी के अंदर ये चीज जोड़नी है, ठीक है ना, ऐड करनी है मुझे, ओपनेस का नया फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा सर, क्या आपको आप यहाँ पर आपको सी थ्री का सिक्स आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप हाइड्रोजन आप तीन कम करेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक है ना, हो गया ना, हो गया। तो आपका आठ में से तीन कम होंगे तो आपके बचेंगे पांच, ठीक है, और इसे मिला के आपके बचेंगे छह, ठीक है। तो यानी कि आपको फॉर्मूला लिखते आपको क्या करना है, आपको एल्डिहाइड लिखते समय आपको टोटल से दो हाइड्रोजन आपको माइनस करने हैं, ठीक है ना, कितने माइनस करने हैं, दो हाइड्रोजन आपको माइनस करने हैं टोटल में से। तो आठ में से दो गए, छह बचेंगे और बाकी आपका ओ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है फॉर्मूला C3H6O, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना पड़ेगा इसी का पहला वाला नाम, ठीक है। इसका नाम था पहले ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन था। अब हमें ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के हमें आपके हमें यहाँ पर एल जोड़ना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ई दोबारा से मिटाएंगे और यहाँ पर हम ए एल जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका नाम बन जाएगा ये ब्यूटेनल, ठीक है, और यह इसका बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसी प्रकार आप इसके बाद आने वाला बन सकते हैं, आपका हो जाएगा C4H8O हो जाएगा आपका इसका नेक्स्ट आने वाला, जिसका नाम आपको क्या हो जाएगा, ब्यूट के बाद आपका पेंट, तो पेंटेनल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एल्डिहाइड का फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली और आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको नाम के लिए आपको एल जोड़ना है और आपको फॉर्मूले में क्या करना है, टोटल में से दो हाइड्रोजन आपको कम कर देने हैं और आपका काम हो जाएगा, आपको एंड में ओ जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ पर। तो चलो यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको देखने प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। इसमें हम क्या बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे और हम वहां बात करेंगे कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो, तो देख लो, टेलन, टेक केयर।